नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। एक सनातन कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि भगवान राम का चरित्र अनंत है। वो किस वजह से अवतार लेते हैं और सभी कार्य पूर्ण करते हैं, ये कोई साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकता है। ये बात श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के लिए बिल्कुल उचित बैठता है। आज प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती है। इस मौके पर आज कुछ रोचक कहानी हम आपको बताएंगे। देश भर में जितने भगवान राम के मंदिर हैं, लगभग उतने ही उनके परम भक्त बजरंग बली के भी मंदिर हैं। और हो भी क्यों ना, हनुमान के बिना रामायण भी अधूरी है और प्रभु राम भी अधूरे हैं। भगवान राम का नाम जपकर ही भक्त अपने कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं। देश में हनुमान जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं। इस मंदिर की खास बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हनुमान जी की हर चमत्कारी मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर उल्टे हनुमान का है। यहाँ हनुमान जी सर के बल उल्टे खड़े हुए हैं। इस प्राचीन मंदिर में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा संभवतः विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी का उल्टा खड़े होने का स्वरूप मौजूद है। मध्य प्रदेश इंदौर जिले के सावरे में कान्ह नदी के किनारे हनुमान जी का एक ऐसा दिव्य स्वरूप और मंदिर जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये जगह और यहाँ के हनुमान जी आस्था के बड़े केंद्र माने जाते हैं। उल्टे हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले इंदौर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद सावरे गांव में उल्टे हनुमान विराजते हैं। इस मंदिर में मौजूद पवन पुत्र की इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शनों के लिए देश भर से भक्त आते हैं। मंदिर में हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और शिव पार्वती जी की भी मूर्तियां विराजमान हैं। इंदौर पहुंचकर सड़क मार्ग से आसानी से सावरे स्थित उल्टे हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचा जा सकता है। उल्टे हनुमान मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर कोई भी व्यक्ति 3 या 5 मंगलवार तक बजरंग बली के दर्शनों के लिए लगातार आता है तो उसके सभी कष्टें दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने की मान्यता है। मंदिर में स्थित हनुमान प्रतिमा को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। आइए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर हनुमान जी की यहाँ पर सर के बल मूर्ति क्यों विराजमान है। चलिए जानते हैं। सावरे के इस मंदिर और हनुमान जी का संबंध त्रेता युग और रामायण से जुड़ा है। उल्टे हनुमान मंदिर की स्थापना को लेकर मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब लंका युद्ध में रावण की सेना हार रही थी, तो रावण के कहने पर पाताल के राजा अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। उस वक्त अहिरावण अपना रूप बदलकर भगवान राम की सेना में शामिल हो गया था। इसके बाद रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब अहिरावण अपनी मायावी शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब वानर सेना को इस बात का पता चला तो हड़कंप मच गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वो अहिरावण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां बजरंग बली ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जी को वापस ले आए। माना जाता है कि सावरे ही वो स्थान है जहां से हनुमान जी पाताल लोक में गए थे। जिस वक्त हनुमान जी पाताल लोक जाने के लिए प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त उनके पैर आकाश की ओर और सिर धरती की ओर था। इसी वजह से हनुमान जी के उल्टी स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु भक्त पहुंचकर बाबा उल्टे हनुमान के दर्शन करने पहुंचते हैं। ये थी हनुमान जी की उल्टी मूर्ति की कहानी। आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी रोचक कहानियां हम आप तक और पहुँचाते।